जो भी साइंटिफिक तरीके से फोन लोकेशन, फोन का जो बोल रहा है, एवरीथिंग वॉज चेक्ड एंड रिपोर्ट इज सबमिटेड बेस्ड ऑन दैट वी आर डिक्लेयरिंग। सर, ऑफिशियली कितना फिगर जहां तक डेथ का सवाल है आया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चला? रेस्क्यू ऑपरेशन के अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी टीम वर्क कर रही थी, क्योंकि उसमें काफी कुछ वर्क हुआ है, सिर्फ बोटिंग से नहीं हुआ है। अब आज इन डेप्थ कैमरा डाल के पूरा वर्क हुआ है। इवन सब लोग नीचे जाके अगेन डाइविंग करके वो सब चेक किया है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल टेक द डिसीजन। एक्सीलेंट वर्क डन बाय ऑल एजेंसी एंड द पीपल ऑफ मोरबी आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन मेकिंग ऑल दिस वेरी कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव आल्सो। किस तरह से आप ये पूरा ऑपरेशंस को देखते हैं? सर, एक बार हम लोग पूरा डिटेल में एक बार मीटिंग कर ले, देन वी विल एक्सप्लेन इट एवरीथिंग। लेकिन आंकड़ा क्या है डेथ का? फाइनल आंकड़ा 135 लोगों का डेथ हुआ है। Sir, we really appreciate you talking to the media. Now, are we absolutely certain that there are no unaccounted bodies of people? Ma'am, हमने दो कंट्रोल रूम बनाए थे। एक तो सिविल हॉस्पिटल में था, क्योंकि लोग सबसे पहले पता था कि सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। मैम, सिविल हॉस्पिटल में जो 14 हमारे पास नंबर आए थे, 1-to-1 हमने सब वेरीफाई कर लिए। हमारे पास जो और कंट्रोल रूम हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में था, जिसमें लास्ट मोमेंट तक गुरबीत सिंह का जो था, आज पुलिस का रिपोर्ट हमने डिटेल आ गया है कि ये इस तरह का कोई पर्सन मिसिंग नहीं है। इवन दो हमने आज कंटिन्यू रखा है। अभी हम जो भी एजेंसी आपको पता है, आर्मी, नेवी, NDRF, SDRF और फायर टीम, पांचों काम कर रही है। और उन लोग जो काम कर रहे हैं और वो लोग जो स्टेटमेंट देंगे, वो लोग जो 3-4 दिन से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आर्मी नेवी किसी पर भी किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा कंट्रोल रूम अभी भी खुला है। कोई भी पर्सन, आपको पता होगा कल एक न्यूज़पेपर में एक पर्सन का नाम आया था कि ये मिसिंग है, हमने उसके घर तक गए, उसके वीडियोस है, उसके फादर का वीडियो लिया, जिस पर्सन का फोटोग्राफ आया है उस पर्सन का हमने इंटरव्यू लिया। तो इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा, हम उसको लिए अभी भी वो कंट्रोल रूम खुला रखे हुए हैं और उसके लिए हम लोग का जो सर्च जो भी आगे भी प्रोसेस करना पड़ेगा वो करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आपने इसका जवाब दिया। सर, प्रोसिक्यूशन ने भी कोर्ट ने बोला है और हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो केबल्स है उनको रिफर्बिश नहीं किया गया था, इट्स अ ह्यूज क्रिमिनल नेगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मैम, उसके लिए सीट इन्वेस्टिगेशन, मैम उसके लिए सीट का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये रेस्क्यू वर्क के लिए मैम। सर, क्योंकि आपका साइन था उस एग्रीमेंट पे, प्लीज सर जस्ट वन पर्सन, प्लीज। का साइन नहीं था उसमें, जिसका साइन है उसको रिलीफ कमिश्नर है। अगर आप बस कितना बता पाए कि हाउस की अकाउंट रेस्क्यू रिलीफ का काम देखते हैं वो अभी।